जो आज का प्रोटेस्ट था उसकी मुख्य तीन मांगें थी। पहला मांग था FIUP को वापस लिया जाए, दूसरा मांग था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एडहॉक टीचर्स को जो हटाया जा रहा है उसको बंद किया जाए, और जो तीसरा डिमांड था वो हिंदी इम्पोजिशन का था। इस बार क्या हुआ है कि AECC में जो पिछली बार हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ऑप्शन मिलता था, इस बार अधिकतर कॉलेजेस में इंग्लिश का ऑप्शन गायब हो गया। तो ये तीन मांगे थी, और ये तीन मांगों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो जो NEP का मॉडल है और जो सरकार का जो नीति है वो एक ही तरीके से तीनों नीति मतलब मांगों को देखा जाना चाहिए। तो जो पहला FIUP का है, तो FIUP में सबको पता है कि जो डिग्री हम लोगों को 3 साल में मिलता था वही डिग्री अब 4 साल में। अब क्या था पहले कि जो 4 साल में ऐसा भी नहीं है कि जो हमें पढ़ना है वो ज्यादा पढ़ना है। जैसे अगर मैं इतिहास की बात कर लूं तो इतिहास में जो कोर कोर्सेज का क्रेडिट है, हफ्ते में पहले 6 क्रेडिट्स हुआ करते थे, मतलब हफ्ते में 6 दिन कोर की क्लासेस लगती थी, पर अब जो है वो उसको घटा के 4 कर दिया। जो पर कोर सब्जेक्ट हमें क्रेडिट स्कोर मिल रहा था वो बहुत कम हो गया है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया है जिसका हमारी ऑनर्स डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सिस्टम स्कूल के दिनों में तो सही रहता है जब हमें जनरल नॉलेज या वैल्यू एजुकेशन, आर्ट पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में एक स्पेशलाइज्ड स्टडी के लिए ऑनर्स डिग्री ले रहे हैं ऐसे दौरान इन सब्जेक्ट्स का पढ़ाने का कोई भी मकसद नहीं बनता है, और प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा एजुकेशन का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे NEP के थ्रू जो ऑटोनॉमी दी है कॉलेजेस को, अब वो फंड के तौर पे नहीं, अब वो लोन के तौर पे आएगा, और बाकी जो स्टूडेंट उनकी फीस हाइक होगी। आप अगर सत्यवती में देखें और भी कॉलेजेस में देखें जहाँ पे फी हाइक हुई है, ये NEP का मॉडल आगे चल के फीस हाइक कर देगा, जैसे कि अभी हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देते हैं। हॉस्टल है नहीं, अगर बच्चा 1 साल एक्स्ट्रा बाहर रहेगा 10,000 के एवरेज से उसका 1,00,000 रुपए उसका फीस हो जाता है। तो इस तरीके से जो एजुकेशन है चंद लोगों के हाथों में रह जाएगा, और जो अभी बहुजन तबके से तमाम तबकों से जो लोग आते हैं, दूर से लोग आते हैं, वो लोग आना रुक जाएंगे। 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो अभी क्या हुआ है NEP के अंदर, जो ये फर्स्ट बैच आया है इसको 4+1 कर दिया है, यानी कि 4-year अंडर ग्रेजुएट एंड 1-year मास्टर। हमारे टाइम पर ना 3+3 year ग्रेजुएट एंड 2 year हमारा मास्टर को 1 साल खत्म कर दिया, कहने के लिए 4th year में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर रिसर्च देंगे। पर जो क्या मास्टर के जो हमारा हायर एजुकेशन है क्या उसमें FIUP में इंक्लूड कर दिया गया है? आज जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस तक नहीं है। जो उनकी BAC SEC की क्लासेस है वो प्रॉपर चल ही नहीं रही है, क्योंकि स्टूडेंट एंड टीचर इशू बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो उनका 1 महीने में क्लास, 1 हफ्ते में क्लास, इतना कम क्लास हो रहा है, और अब नेक्स्ट मंथ उनके एग्जाम। देखिए, अगर हम लोग देखें तो पिछले 12 साल में लगातार DU में रिफॉर्म्स किए गए। पहले एनुअल मोड को सेमेस्टर में तब्दील किया गया, सेमेस्टर से फिर हम लोग FIUP में गए, FIUP से CBCS में गए, फिर LOCF में गए, और अब अगेन FIUP में गए। तो आप समझिए पिछले 12 सालों में लगभग 6 से 7 बार इसमें मोटा मोटी चेंजेस आ चुका है। तो उसमें जब भी चेंजेस आता है तो हर बार सिलेबस में चेंज आता है, हर बार कोर्सेज में चेंजेस आता है, कंटेंट में चेंजेस आता है, उसके साथ साथ क्वालिटी भी उस पर असर करती है। तो तमाम तरीके के चेंजेस हम लोगों को जो है देखने को मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन में देखेंगे तो JNU के साथ बात में अगर देखें तो DU को पूरे देश के लिए एक्सपेरिमेंट की लैब बना दिया जाए एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो SOL और रेगुलर को मिला लें तो लगभग 9 से 10 लाख बच्चे यहाँ पर इनरोल्ड हैं, उन सबके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो समझिए कि एक बार जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कितना बड़ा जो सेक्शन है सोसाइटी को वो सफर कर रहा है। डेटा हैज कम आउट दैट ऑलमोस्ट आई थिंक 48 टीचर्स फ्रॉम हंसराज इटसेल्फ वर डिस्प्लेस्ड, टीचर्स हु हैव हैड इमेंस एक्सपीरियंस, हु हैव बीन इन द कॉलेज फॉर 17-18 years, हु डिजर्व टू बिकम परमानेंट टीचर्स, हैव बीन थ्रोन आउट टू गो टू अनदर कॉलेज टू बिकम एड हॉक्स, एंड मोर एड हॉक्स हैव बीन ब्रॉट इन। So with regards to that, and within FIUP, the imposition of Hindi that's happening under the AECC ka jo course naya aaya hai, so these were the 3 agendas why this rally was called. बींग अ गर्ल, या फिर अगर लड़कियों की बात करें उसको ये जो 4-year प्रोग्राम है वो कितना इफेक्ट कर रहा है?
क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ना, इफ यू सी द स्टेटिस्टिक्स यू कैन सी दैट दैट्स व्हाट आवर प्रोफेसर जितेंद्र मीना वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट. इन कॉलेजेस देयर हैज बीन अ शार्प डिक्लाइन इन द मेल टू फीमेल रेशियो अमंग्स लाइक मेन एंड वीमेन. मैम मैं छत्तीसगढ़ से हूँ है ना, और अगर मुझे पता होता, मैं जगदलपुर छोटे जगह से आती हूँ दिल्ली में पढ़ने के लिए, अगर मुझे पता होता कि मेरे को 4 साल का पढ़ना पड़ेगा, मुझे एक और साल का पीजी का रहन सहन का पैसा देना पड़ेगा, और वो एक साल में ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हो रही है. अगर आप देखेंगे तो एक सेमेस्टर के आधा का पढ़ाई वो एक साल तक खींच रहा है ना. जो आप अगर क्रेडिट पॉइंट से देखेंगे तो अगर ये हो रहा है, मैं क्यों आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी ड्यू जैसे कॉलेज में.